दोस्तों, समय समय पर मुंबई के 93 ब्लास्ट का जिन बोतल से बाहर आ ही जाता है, और जब जब 93 ब्लास्ट की बात चलती है तब तब द मोस्ट इनोसेंट और हम्बल एक्टर संजय दत्त का नाम भी चर्चा में आना तय है। संजय दत्त का कहीं जिक्र आता है तो लोग इसे डाउन टू अर्थ बताते हैं, हम्बल और इनोसेंट एक्टर बताते हैं, लेकिन संजय दत्त क्या है ये बॉलीवुड के लोगों को पता है या मुंबई में रहने वाले उस इंसान को पता होगा जो बॉलीवुड में अंदर तक की जानकारी रखता है। अभी हाल ही में NIA ने अंडरवर्ल्ड की बी जगहों पर रेड डाली जो काफी चर्चा में है। चर्चा में इसीलिए है कि इस रेड में NIA ने समीर हिंगोरा के घर पर भी रेड डाली है। समीर हिंगोरा के बारे में हम आपको शॉर्ट में बता दें कि 93 में जब संजय दत्त के घर से AK-56 और बाकी हथियार मिले थे, वो दाऊद ने मुंबई पहुंचाए और वो मुंबई में अलग अलग लोगों को बांटे गए थे। उन्हीं हथियारों में से AK-56 थी जो समीर हिंगोरा ने अपनी गाड़ी में रखकर संजय दत्त के घर पर जाकर छोड़ी थी। समीर हिंगोरा पेशे से एक फिल्म प्रोड्यूसर है। समीर हिंगोरा का जिक्र आया तो संजय दत्त का भी जिक्र आना तय है, और हमें संजय दत्त पर लिखी एक किताब का एक वाक्य याद आ गया। हमने 2 साल पहले वो किताब पढ़ी थी। ये किताब यासिर उस्मान ने लिखी है, और यासिर उस्मान ने बॉलीवुड के कई एक्टर्स की बायोग्राफी लिखी है। बुक का नाम है द क्रेजी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बॉलीवुड बॉय संजय दत्त। इस बुक में 93 ब्लास्ट के बाद संजय और सुनील दत्त के इमोशंस के बारे में लिखा है। किताब में लिखा है कि जब सुनील दत्त को पता चला कि 93 ब्लास्ट हो गया है और उसमें संजय दत्त का नाम भी शामिल है, तो वो काफी ज्यादा परेशान हो गए। उस समय के जॉइंट कमिश्नर MN सिंह ने कहा कि अगर संजय दत्त हथियारों की बात धमाकों से 2 दिन पहले भी बता देता, किसी को भी बता देता, पुलिस को या अपने बाप को, तो ये जो धमाके हुए थे मुंबई में, इन धमाकों को रोका जा सकता था, सैकड़ों लोगों को बचाया जा सकता था और हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति स्वाहा होने से बच जाती। सुनील दत्त कमिश्नर की बात सुनकर संजय दत्त से मिलने जेल जाते हैं और इनोसेंट संजय दत्त से सच बोलने को कहते हैं। सुनील दत्त ने कहा कि मुझे सच बताओ, जो भी तुम जानते हो या जितना भी तुम इस केस में इन्वॉल्व हो। संजय दत्त जेल में बंद था, उस पर 93 बम धमाकों के आरोप लगे हुए थे, लेकिन संजय दत्त पूरी तरह से बेफिक्र था। सुनील दत्त के बार बार पूछने पर संजय दत्त ने कहा कि उसकी रगों में एक मुस्लिम का खून दौड़ रहा है और वो एक सच्चा मुसलमान है, और दंगों में मुसलमानों के मरने का उसे बहुत दुख है और वो बदला लेना चाहता था। सुनील दत्त ने कहा कि दंगों में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं मारे गए, हिंदू भी मारे गए थे। तो इनोसेंट संजय दत्त ने फिर से कहा कि उसकी रगों में एक मुस्लिम का खून दौड़ रहा है। संजय दत्त की बात सुनकर सुनील दत्त बहुत सदमे में आ जाते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं। किताब का ये वाक्य बताता है कि संजय दत्त ने जो भी कुछ किया वो जानबूझकर किया था, और करने के बाद भी उसे किसी भी तरह का कोई भी अफसोस नहीं था। संजय दत्त की बातों से ये भी लग रहा था कि उसे 93 ब्लास्ट के बारे में पहले से ही सब कुछ पता था, और उससे भी बड़ी बात कि संजय दत्त को अपने किए पर जरा सा भी पछतावा नहीं था। संजय दत्त ने शुरुआती जांच में और सबूत दिखाने के बाद कोर्ट में भी ये स्वीकार कर लिया था कि वो ब्लास्ट के बारे में पहले से जानता था, लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए कि बाद में 93 ब्लास्ट वाला जो केस था, जो धाराएं थी, वो गायब हो गई और सिर्फ हथियार रखने का केस ही उस पर रखा गया, जिसके बाद उसे सजा भी हुई थी। कुछ सजा उसने फुटकर में पहले ही काट ली थी, और बाकी जो सजा थी वो उसने 2013 से 2016 तक काट ली थी। और आज की डेट में संजय दत्त राजनीतिक पार्टियों की तरह एकदम साफ सुथरा और पाक पवित्र बन चुका है। संजय दत्त का ये बयान कि उसकी रगों में एक मुस्लिम का खून दौड़ रहा है, सारी कहानी अपने आप में बयां कर रहा है। लेकिन देश की आधी जनता को लगता है कि संजय दत्त ने 20-25 साल बहुत कुछ झेला है। वो एक बेकसूर था और उसने इतना कुछ किया नहीं था जितना उस बंदे ने झेल लिया है, जिसकी जानकारी में सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी गई। उसने बहुत ज्यादा झेल लिया है। जिसके घर पर ब्लास्ट से संबंधित हथियार मिले, वो अपने PR की मदद से आज इनोसेंट बेचारा बना हुआ है, और लोग उसके बारे में सोचते हैं कि इस बंदे ने बहुत कुछ झेला है। सैकड़ों लोगों की जानें चली गई और ये बंदा आज की डेट में भी खुलकर अय्याशी कर रहा है, और इसके लिए बोला जाता है कि इसने बहुत कुछ झेला है। सजा काट लेने से एक आतंकवादी इनोसेंट नहीं बन जाता, क्रिमिनल हमेशा क्रिमिनल ही रहता है। परिवर्तन विचारों से आता है, और संजय दत्त के वो बयान जो उसने ब्लास्ट के बाद में दिए थे, वो बताते हैं कि उसका ब्लास्ट से जो कनेक्शन था वो दिल से था, और ब्लास्ट के बाद लोगों के मरने के बाद भी उसमें किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं आया था। मुंबई ब्लास्ट हुआ था 1993 में, और साल 2002 में भी संजय दत्त की अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील से बातचीत की रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी, जो ये बताती है कि 10 साल के बाद भी और 3-4 बार जेल जाने के बाद भी संजय दत्त का अंडरवर्ल्ड के साथ संपर्क बिल्कुल भी नहीं टूटा था। जब संजय दत्त जेल जाके 2002 तक भी नहीं सुधरा था, तो 2002 के बाद तो उसे किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, ना जेल गया, ना किसी कानून का डर था, तो वो अंडरवर्ल्ड से अपना रिश्ता क्यों तोड़ता। संजय दत्त को अपने किए पर कभी भी पछतावा नहीं हुआ, और यही वजह थी कि उसने कभी भी अंडरवर्ल्ड से अपने रिश्ते को खत्म नहीं किया। संजय दत्त जैसे लोग जानते हैं कि देश के कानून को कैसे तोड़ा जाता है, कैसे खरीदा जाता है, और सबसे बड़ी बात कैसे कंट्रोल किया जाता है। यही वजह है कि अमीर लोग क्राइम करके भी आसानी से बच जाते हैं और गरीब लोग
रेड लाइट भी क्रॉस कर दें तो कोर्ट केस हो जाने के बाद भी 10-20 साल तक तो वो गरीब उसी केस में लटका रहेगा। अमीर आदमी जेल चला भी जाता है तो अंदर जाकर उसे ऐशो आराम वाली जिंदगी मिलती है, और गरीब जेल में चला जाए तो वो वहां पर जाकर झाड़ू लगाएगा और चक्की ही पीसेगा। गलती संजय दत्त की नहीं है दोस्तों, संविधान को लागू करने वालों की है जो इनके जैसे आतंकवादियों के दिल में कानून का डर आज तक पैदा नहीं कर पाए। अगर आप हमारे विचारों से सहमत हैं तो खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। कमेंट में आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज। दोस्तों, हमने हाल ही में एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने माधुरी दीक्षित के बारे में बताया था कि कैसे वो 1990 के दशक में दुबई जाती थी और दाऊद की पार्टी में मुजरा करती थी। माधुरी आज 54 साल से ज्यादा की हो चुकी है, उसका एक परिवार है और सबसे बड़ी बात कि वो आज इज्जतदार औरतों में गिनी जाती है। लेकिन अपनी जवानी के दिनों में माधुरी ने अपनी खूबसूरती का जमकर फायदा उठाया था। माधुरी ने 1988 में एक फिल्म में काम किया था, ये फिल्म थी दयावान। दयावान को डायरेक्ट किया था फिरोज खान ने और इसमें लीड रोल प्ले किया था विनोद खन्ना ने। दयावान में सिर्फ एक गाने के लिए माधुरी दीक्षित ने 1988 में 1 करोड़ रुपए की डिमांड की थी और वो 1 करोड़ उसे मिले भी थे। दरअसल दयावान में एक गाना था, आज फिर तुम पे प्यार आया है, और इस गाने में माधुरी ने काफी ज्यादा बोल्ड सीन्स दिए थे। साथ ही इस गाने में माधुरी और विनोद खन्ना का किसिंग सीन था जो काफी लंबा चला था। जब फिरोज खान ने बताया कि वो एक गाने में इंटीमेट सीन्स और किसिंग सीन्स भी डालना चाहता है तो माधुरी ने साफ मना कर दिया। माधुरी ने कहा कि उसका करियर अभी शुरू ही हुआ है और अगर वो इस तरह के सीन्स देगी या इस तरह के किसिंग सीन्स देगी तो उसे आगे भी इसी तरह के रोल मिलने लगेंगे। इसके साथ ही माधुरी ने कहा कि वो एक इज्जतदार परिवार से ताल्लुक रखती है तो ऐसे सीन्स से उसके परिवार की बेइज्जती होगी और उसका परिवार उसके लिए गलत सोच रखेगा। फिरोज खान अपने समय में बहुत ही जिद्दी कलाकार माने जाते थे और वो जो चाहते थे वो हमेशा करके ही दम लेते थे। इसके बाद फिरोज खान ने पूरी फिल्म की शूटिंग की और सबसे लास्ट में गाने को शूट किया। फिरोज खान ने माधुरी से कहा कि वो इस गाने के लिए माधुरी को 1 करोड़ रुपए देगा, लेकिन गाने में उसे विनोद खन्ना के साथ किसिंग सीन के साथ साथ इंटीमेट सीन्स भी देने होंगे। फिरोज खान ने कहा, कोई जबरदस्ती नहीं है, आराम से सोचकर जवाब दे देना। लेकिन माधुरी दीक्षित ने इस ऑफर को स्वीकार करने में जरा भी देर नहीं लगाई। वो माधुरी जो 1 करोड़ मिलने से पहले अपने करियर की दुहाई दे रही थी, अपने इज्जतदार परिवार की बीन बजा रही थी, 1 करोड़ मिलने पर वो बी ग्रेड एक्ट्रेस की तरह इंटीमेट सीन देने में भी पीछे नहीं रही। यानी माधुरी के लिए अश्लील सीन देना या किसिंग सीन देना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसे उसकी मुंह मांगी कीमत चाहिए थी। 1 करोड़ में हॉट सीन दिए, 2 करोड़ में कपड़े भी उतार सकती थी, और अगर उम्मीद से ज्यादा यानी लगभग 5 करोड़ या 10 करोड़ दिए जाते तो उसकी क्या सीमा थी कि वो क्या क्या कर सकती थी। एक एक्ट्रेस का दुनिया को दिखाने के लिए काम होता है एक्टिंग करना, लेकिन इन्हें जहां लिमिट से ज्यादा पैसे मिलते हैं या मुंह मांगे पैसे मिलते हैं तो ये लोग एक्टिंग के नाम पर पॉर्न या सेमी पॉर्न फिल्में बनाने से भी पीछे नहीं हटते। एक्टिंग के नाम पर बॉलीवुड हमेशा से नग्नता और अश्लीलता ही परोसता आ रहा है और हम भी उसे देखते आ रहे हैं। सॉफ्ट पॉर्न से ही बॉलीवुड की फिल्में चलती हैं और इसी से ये लोग पैसे कमाते आ रहे हैं। कभी स्टोरी के नाम पर, कभी रोल की जरूरत के हिसाब से ये हमें सॉफ्ट पॉर्न परोसते आ रहे हैं, और यही वजह है कि बॉलीवुड में एक्ट्रेस अपनी जवानी में हर तरह से पैसे कमाती है। 15-20 साल दौलत कमा के एक अमीर मुर्गा पकड़ के सेटल हो जाती है और बन जाती है इज्जतदार सीनियर एक्ट्रेस। माधुरी पर हुए इस खुलासे पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़कर हमारी आवाज